मित्रों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हें दिल्ली की सर्दी में जांच की आंच से पसीने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब परिस्थिति में एक नया आयाम जुड़ रहा है। अब तो जांच भी आंच के घेरे में आ रही है, अर्थात ये जो तथा कथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। इस प्रकार के फैक्ट्स सामने आए हैं कि जो उनकी तथा कथित मोहल्ला क्लिनिक थी, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के अमृत काल में आने के बाद भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। परंतु उसमें भी क्या हुआ, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का, वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है, जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। और टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूं, ये वो सरकार है ना जिसने कहा था कि हम सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा देंगे दिल्ली में, तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी है कि नहीं? और अगर है तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना, तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। और इसमें जो प्रोसीडिंग्स में बात आई है, मैं कोट करना चाहता हूं कि नेसेसरी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओएलएस आउटसोर्स लैब सर्विसेज। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकारी एजेंसी नहीं कर रही है, ये सब आउटसोर्स है, यानी प्राइवेट एजेंसीज को जांच दे रखी है। एंड अदर्स ऑफ द ओएलएस ब्रांच फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल एलजी व्हिच कुड हैव लेड टू द लॉस ऑफ एक्सचेकर। यानी अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई। ए डिटेल्ड विजिलेंस इंक्वायरी में बी कंडक्टेड टू ब्रिंग आउट द क्वांटम ऑफ लॉस ऑफ द एक्सचेकर टू द कोल्यूजन ऑफ द डायरेक्टर एंड सपोर्ट स्टाफ विद द प्राइवेट एजेंसीज। अब जो उपराज्यपाल महोदय ने ये लिखा है और ये अब पब्लिक डोमेन में है मीडिया में, उसके बिंदु क्रमांक 33 पे देखें तो लिखा हुआ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट वर रिकमेंडेड प्राइमा फेसी टू द घोस्ट पेशेंट, यानी जिनका अस्तित्व ही नहीं था। यही अंतर है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर चीज डिजिटली ट्रांसफर होती है, इसीलिए ये लोग आधार का भी विरोध करते थे, क्योंकि यदि व्यक्ति का आधार कार्ड है और डिजिटली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का झोल होने की संभावना नहीं है। पर यहां पर फिर इंपेरिकल डाटा प्रूविंग एंट्री ऑफ द फेक मोबाइल नंबर्स, ब्लैंक मोबाइल नंबर्स ऑफ द फिक्टिशियस पेशेंट्स, फेक अटेंडेंस ऑफ द डॉक्टर्स एंड फिक्टिशियस डाटा ऑफ द पेशेंट एस्टैब्लिश विद वाइड स्प्रेड करप्शन, मैनिपुलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, फोर्जरी ऑफ द रिकॉर्ड विद द सोल इंटेंशन टू लूट द गवर्नमेंट एक्सचेकर एंड एक्सटेंडेड अंडर द बेनिफिट ऑफ द प्राइवेट पार्टीज ऑपरेटिंग एट AAMC एज वेल एज द डिस्पेंसरीज, पॉलीक्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स ऑफ द डेली गवर्नमेंट।
यानी अब यह बहुत साफ हो गया कि पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी, यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था, कदम कदम रफ्ता रफ्ता बढ़ाते हुए, और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेज करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया, यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है, स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है कट्टर ईमानदारी का, तो मैं कह सकता हूं कि विपक्षना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। अब हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सीबीआई से सवाल पूछ रहे हैं। साहब, बवाली अब सवाल ही बन गए, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत ही, अब ये मैं बवाली शब्द ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बताइए आप सबने देखा था ना कि सीढ़ी लगाकर तार काट रहे थे, ये नेता का किरदार है, 26 जनवरी के दिन धरना कर रहे थे, ये जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्तित्व का किरदार है। इसलिए मैंने कहा, और याद करिए 2014 के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर आके पथराव किया था, जिसमें इनकी सर्वोच्च समिति के सदस्य थे, जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड है। इसलिए मैंने कहा अब बवाली अब सवाली बन गए, और सवाल किससे पूछ रहे हैं, जांच एजेंसी से, मतलब इसे शब्दशा ना लिया जाए, वैसे तो सारी जनता उस भाव को समझती है, हिंदी में एक कहावत होती ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इश्यू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इश्यू है, यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है, और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते, क्योंकि के अरविंदन ने बाकायदा बयान दिया हुआ है अप्रूवर बनके कि उनकी उपस्थिति में इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत बढ़ाकर शराब घोटाले में कमीशन की बात हुई और उसके इस प्रकार के वितरण की बात हुई, उन्हें यह बात पता है। इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि ये उनकी गलती की स्वीकारोक्ति है, बाई कंसिस्टेंटली अवॉइडिंग टू अपियर बिफोर द एजेंसीज इज नथिंग बट इज एन टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज लीगल फॉल्ट, जांच एजेंसी के सामने अनेक बहाने बनाकर अनुपस्थिति रखना प्रकारांतर से उनकी अपनी गलती या भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है, और पुनः यह एक विचित्र भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें जांच शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली गई थी और पॉलिसी विड्रॉ करने के बाद उसको डिफेंड किया जाता है मीडिया में आके। आपने ऐसी, ये है नई राजनीति, ये नई राजनीति का किरदार है, जो कहते हैं कि आज ही उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हर हाल में वो रहेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये जांच एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय तय करेगा, परंतु हर हाल में रहेंगे ये शब्द बोलने का अर्थ होता है कि मतलब आप कहीं पर भी रहेंगे, यानी अगर कानूनी कार्रवाई भी हो गई, यदि किसी कारणवश वो या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको अपने साथियों के साथ वहां पहुंचना पड़ा, तो आप वहां से भी कह रहे हैं कि आप शासन करेंगे। मतलब मुझे ऑन द लाइटर नोट याद आता है, जब ये जेल जाने का विषय आता है तो बहुत आरोप लगाए जाते हैं हमारे ऊपर, और श्री लालू प्रसाद यादव जी तो 1997 में जेल चले गए थे, अब तो भाजपा की सरकार कभी नहीं आई थी, और मोदी जी उस समय तक तो भाजपा के शायद राष्ट्रीय महासचिव ही थे, और अमित शाह जी का तो शायद बहुतों ने नाम भी नहीं सुना होगा उस जमाने में, वो आरोप लगाते हैं 2014 के बाद। पर मुझे याद आता है उस समय पत्रकारों ने पूछा था, आप लोग जाके चेक करिएगा लालू जी से, कि आप अब कैसे शासन चलाएंगे,
तो कहे थे जलवेस चलाएंगे। तो उन्होंने पूछा मतलब क्या जेल से? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मतलब उनके साथियों ने कहा मतलब वो कह रहे जलवे से ही जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। मगर आज तो लग रहा है जो आम आदमी पार्टी के नए किरदार में तो ये वाकई कह रहे हैं हम जलवेस चलाएंगे।